नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 26 मार्च 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, आप इस वीडियो में हमने मार्च 2022 के करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और ये देखिए, इस वीडियो में हमने पिछले 6 महीने के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनकी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई है और इसमें टोटल हमने 70 क्वेश्चनों को कवर किया है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल किस तारीख को असम राइफल्स को मनाने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 मार्च, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। असम राइफल्स को मनाने और सम्मान देने के लिए ही मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन यानी 24 मार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और 2022 में ये इसका 187th फाउंडेशन डे यानी रेजिंग डे मनाया गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, 22 मार्च। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया गया। हिंदी में बात करें तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया गया। 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे ये मनाया गया। हिंदी में बात करें तो विश्व कविता दिवस ये मनाया गया। 23 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये मनाया गया। और हिंदी में बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया? 23 मार्च को। तो सी ऑप्शन 24 मार्च फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात यहाँ पे आसाम की हुई है तो आसाम का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। जुड़ीमो चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुड़ीमो चावल की वाइन आसाम से संबंधित है। आसाम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। एक काम करते हैं, असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम के तेजपुर रिची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। ताज़ा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह SHG बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्र जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप, ये है आसाम की लोकेशन। इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें, भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और किन किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है? तो ये 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धोलिया। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये आसाम में है। आसाम का इंपॉर्टेंट डांस बिहू डांस है। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स मेघालय राज्य में हैं, ना कि आसाम में हैं। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? तो ये किया है भारत सरकार और महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन कहाँ पर किया है? और ये किया है पुणे शहर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किया। गुजरात में थो लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको रामसर स्टेटस दिया गया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो इसका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से कुसोवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन स्टार्ट किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा, ये निर्णय लिया गया था। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए आप, ये है लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। गोगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। लोनार लेक तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में हैं। कोयना डैम, ये कोयना रिवर के ऊपर है जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, उज्जैनी डैम को भीमा डैम भी कहा जाता है क्योंकि भीमा रिवर के ऊपर है। जैकवाड़ी डैम, तो ये तो थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। बात करें दूसरे ऑप्शन की, इराक की बात करते हैं। इराक की कैपिटल क्या है, इराक की जो कैपिटल है ये क्या है, ये है बगदाद। बगदाद इराक की कैपिटल है। इराक की दिनार, ये करेंसी है ईरान की, इराक की। ईरान की बात करें, ईरान की जो कैपिटल है यह तेहरान, और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो ईरानियन रियाल, ये करेंसी है। अब बात हुई है माली की, माली की कैपिटल क्या है, माली की कैपिटल है बमाको। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ये करेंसी है। अब बात बांग्लादेश की हुई है तो आप लोकेशन देखें, ये है बांग्लादेश। कैपिटल क्या है, ढाका है, लार्जेस्ट सिटी भी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है अब्दुल हमीद, राष्ट्रपति हैं शेख हसीना, प्रधानमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों की सीमा, भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। 2022 में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया, देखो ये हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है, यानी ये कल मनाया जाएगा, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, मधु कंकारिया ने, डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, RK सबरवाल, बताइए इनका नाम न्यूज़ में क्यों गया, क्यों था, इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। मनु कुमार श्रीवास्तव, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए। और तापेन सिंघल, इनका नाम भी न्यूज़ बता, इनको बजाज अलायंस का नया MD और CEO ये अपॉइंट किया गया है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए माया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, तो ये किया है किसने, केरल की सरकार ने, बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। ये केरल की लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको खुद ही कवर करनी है। स्टीव स्मिथ का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है क्रिकेट से। 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है क्रिकेट। किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेनिस पारवेल, यानी डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के नरसिंह पेत्तई नागस्वरम को GI टैग मिला है, तो ये तमिलनाडु का है, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। ये लोकेशन है तमिलनाडु की, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको खुद ही कवर करनी है। अनफील्ड बैरल्स
इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है रिचा मिश्रा ने। यानी 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है, रिचा मिश्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कल के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए थे। 2022 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च सही आंसर है। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार सही आंसर है। किस देश के मोहम्मद रजा मासूमी ने ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी पुरस्कार का 13वां संस्करण जीता? तो ये ईरान के हैं। 4th क्वेश्चन, भारत का पहला डाकघर कैफे किस शहर में खोला गया? कोलकाता सही आंसर है। 2022 में किस तारीख को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई? 23 मार्च सही आंसर है। किस देश की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल 21 से 26 मार्च 2022 तक भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर है? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2022 में विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे माइगा का निधन हो गया? प्रधानमंत्री ने 23 मार्च 2022 को किस शहर में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? ऋतु खंडूरी भूषण किस राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।